wanna see the light. Welcome back to my channel and I'm back with another vlog and बहुत ही amazing vlog लेके आ गई हूँ and especially ये foodies के लिए है and not just for foodie जिनको बहुत अच्छा ambience चाहिए and yes थोड़ी सी privacy चाहिए जो कि मुझे बहुत आते रहते हैं like couple friendly restaurant चाहिए या फिर hookah lovers के लिए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आज मैं दिखाने वाली हूँ आज की वीडियो में and ये जो जगह जहाँ पे मैं अभी खड़ी हूँ इसके बारे में शायद आप काफ़ी सारे लोगों को पता होगा सो सरैया साइड में मैं पहुंची हूँ और सरैया में डिज़ायर वाले बहुत फेमस है हैशटैग डिज़ायर वाला एंड डिज़ायर वाला का आपने दो शॉप पहले से देखा होगा मेंस वेयर का क्लॉथिंग शॉप है इनका डिज़ायर क्लॉथिंग करके तो इन्होंने रिसेंटली लाइक दो तीन दिन पहले ही नया रेस्टोरेंट एंड कैफ़े खोला है मेरे पीछे आप देख सकते हैं डिज़ायर रेस्टोरेंट एंड कैफ़े तो आज एलिस स्विफ्ट पहुंच गई है डिज़ायर के पास जो आज होने वाला है स्विफ्ट डिज़ायर सो यस अभी हम अंदर चलते हैं वैसे ये है सरैया में ही बहुत सिंपल सा रास्ता है मैप लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे मैं ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ पहले हम अंदर चलते हैं एंड फिर हम बहुत सारी चीज़ें बहुत अमेजिंग चीज़ें होने वाली है आज के वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है सो चलिए अंदर चलते हैं सो गाइज मैंने बाहर का व्यू तो आप लोगों को दिखाया अब हम अंदर आ चुके हैं एंड जैसे ही अंदर आते हैं ना आपके मुंह से वाओ निकलेगा बिकॉज यहाँ पे इंटीरियर भी इतना अच्छा काम किया गया है आप देख सकते हैं लाइक इतनी अच्छी मुझे नहीं लगता इस एरिया में तो छोड़ो मुझे नहीं लगता कि मुजफ्फरपुर में भी इतना अच्छा यू नो इंटीरियर पे काम किया गया है अभी तक सो आप यहाँ का व्यू आप ही देख सकते हैं एंड ये आप देखेंगे जैसे ही हम एंटर करते हैं सबसे फ्रंट में जो है ये मॉकटेल काउंटर दिखेगा इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर एक ग्रुप आते हैं अगर आप कलीग्स के साथ आते हैं यू नो फैमिली के साथ आते हैं या बहुत बड़ा ग्रुप आता है फ्रेंड्स का तो उनके लिए ये परफेक्ट जगह है सो यहाँ पे आप लोग अपना लंच डिनर इंजॉय कर सकते हैं एंड सबसे इंटरेस्टिंग एंड जब से इसकी ओपनिंग हुई है मैं स्टोरीज़ देख रही हूँ इसके सबसे ज़्यादा लोग जो है यहीं पे बैठ के रील्स बना रहे हैं फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक बजाज का स्कूटर एंड कलर बहुत प्यारा येलो कलर में है एंड ये बन चुका है सेल्फी पॉइंट मतलब आई थिंक ऑलमोस्ट जितने लोग आते हैं 99% लोग यहाँ पर फ़ोटो ज़रूर क्लिक करवाते हैं सो ये वाला है अभी मैं आपको एक लाइक यू नो ओवरव्यू दे रही हूँ उसके बाद आप यहाँ का पूरा व्यू एंजॉय कीजिएगा सो ये है इस तरह के एंड सीरियसली बताऊँ मैं कि काफ़ी ब्राइट है यहाँ का इंटीरियर बहुत अच्छा बनाया गया है एंड काफ़ी डिफरेंट बनाया गया है एंड जैसे मैंने बताया कि बहुत कुछ है यहाँ पे तो अभी यहाँ का व्यू एंजॉय कीजिए हम फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्पेशल दिखाऊँगी मैंने अभी तो इस रेस्टोरेंट एंड कैफ़े का एक ही पार्ट दिखाया था अब हम जो है सेंटर में है जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था यहाँ पे मॉकटेल का काउंटर भी है एंड सबसे अच्छी बात ये है गाइज कि लाइक आप यू नो वैसे भी मुजफ्फरपुर में बहुत ऐसे कम ही जगह है जहाँ पे मॉकटेल मिलते हैं एंड यहाँ पे मॉकटेल का लाइव काउंटर है दैट मीन्स आप कोई भी मॉकटेल ऑर्डर करते हैं आप लाइव देख सकते हैं बनते हुए तो चलो मैं भी कुछ ऑर्डर करती हूँ एंड बनवाते हैं सामने में यहाँ पे पीछे में ये बना के देंगे हमें एंड सामने में देखते हैं इनके पास कुछ लाइक डिफरेंट फ्लेवर्स भी है लाइक मॉकटेल के जो कि आपको शायद दूसरे रेस्टोरेंट के मेन्यू में नहीं मिलेगा तो चलो हम वही ट्राई करते हैं एंड देखते हैं ये कैसे बनाते हैं जैसा कि अभी आपने देखा मॉकटेल बनते हुए तो हम सारा तीनों का तो नहीं बता सकते थे एक का हमने प्रोसेस आप लोगों को दिखाया सो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं बहुत ही कलरफुल मॉकटेल्स लाइक पहला जो है ये है ब्लू कैफेचिनो एंड कैफेचिनो से हम समझते हैं कॉफ़ी बट ये मॉकटेल है सेकेंड है संतरा मंत्रा नाम काफ़ी ज़्यादा यूनिक है एंड ये है रेड वाइन बट रेड वाइन ये नॉन अल्कोहलिक है लाइक ये वाइन नहीं बस इसका नाम है रेड वाइन सो टेस्ट करते हैं सो पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ रेड वाइन से
इसमें थोड़ा एप्पल का फ्लेवर आ रहा है ना, आई थिंक एप्पल, इसमें एप्पल का सिरप यूज़ किया गया है, एप्पल का फ्लेवर आ रहा है, लेमन का भी आ रहा है, थोड़ा सा टैंगी सा फ्लेवर, काफ़ी यूनिक है। एंड मैं काफ़ी जगह जाती हूँ, काफ़ी सारे ड्रिंक्स ट्राई करती हूँ, ये वाला जो टेस्ट है वो मेरे लिए पहली बार, पहला एक्सपीरियंस है, ये वाला टेस्ट मैंने कभी किया नहीं है। सेकेंड वन संतरा मंत्रा, आई थिंक मैंने ये वाला टेस्ट पहले किया है, लेट्स सी वो वही वाला टेस्ट है या डिफरेंट है। नो इट्स डिफरेंट, ऑरेंज, ऑरेंज का फ्लेवर आ रहा है बट बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, बहुत बैलेंस किया गया है, थोड़ा सा यू नो लेमन की वजह से वो बैलेंस कर दे रहा है, लाइक ऑरेंज का बहुत ज़्यादा मीठापन जो होता है ना उसको इसने बैलेंस कर दिया लेमन की वजह से। एंड थर्ड वन, वैसे मैं ब्लू ब्लू कैफेचिनो, तो नाम इसका क्यों डिफरेंट है, लेट्स सी इसका टेस्ट करके बताते हैं। इट इज़ डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सब जगह से मैं जो टेस्ट करती हूँ, बट या ओवरऑल सारे मॉकटेल्स का टेस्ट फ्लेवर बहुत अच्छा है, अमेजिंग है। एंड और भी है, यहाँ तो तीन रखे हुए हैं, आप मेन्यू में देखेंगे तो और भी हैं, तो आप लोग आएँ तो हर बार कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। सो अब मैं इसको इन्जॉय करती हूँ, आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, रेस्टोर का आधा पार्ट मैंने दिखा दिया, मैंने मॉकटेल भी ट्राई किया एंड आप लोग को भी रिव्यू दे दिया। एंड इसके अपोजिट साइड में देखेंगे, ये वाला आधा पार्ट है, सो यहाँ पे भी आप लोग बैठ के अपना फूड इंजॉय कर सकते हैं। एंड गाइस, स्पेशली जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, ये कपल्स के लिए भी बहुत ही अच्छी जगह है। सो आप हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड से या फिर गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से रोज पूछते हैं, मेरे बाबू ने ताना ताया क्या, तो यहाँ पे देख लो गाइस, यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है, मेरे बाबू ने ताना ताया क्या। तो अगर आपके बाबू ने ताना नहीं खाया है तो यहाँ पीछे है जगह जहाँ पे आप अपने बाबू को ले जाइए एंड उनके फेवरेट खाना खिलवाइए। सो यस गाइस, मजाक तो हो गया, अब मैं सच में बताऊँ सीरियसली, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे हमेशा बोले जाते हैं कि यू नो हमारे मुजफ्फरपुर में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हम कपल्स जाके कुछ टाइम स्पेंड कर सके, लाइक फैमिली रेस्टोरेंट में आप कंफर्टेबल नहीं फील करते हो या फैमिली भी कंफर्टेबल फील नहीं करती है, बट यहाँ पे आपके लिए मिल रहा है सेपरेट स्पेस। लाइक आप यहाँ पे देखेंगे कैबिन टाइप का है ये वाला, इस तरह से, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ दो लोगों के बैठने के लिए, यहाँ पे सिर्फ दो लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं एंड अपना फूड इंजॉय कर सकते हैं। तो ऐसे दो कैबिन यहाँ पे बने हुए हैं। एंड मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मुझे ये चीज़ मैं भूल गई, मुझे ये जगह की इंटीरियर इसलिए अच्छी लगी क्योंकि काफ़ी जगह पे यू नो वॉल पे पेंटिंग की जाती है या फिर वॉलपेपर्स लगाए जाते हैं, बट इसके आप देखेंगे वॉल्स या फिर सारा जो काम है ये वुडन फिनिश में है, ये सारा कुछ एक्चुअली वुडन फिनिश, ये वुड में ही यूज़ किया गया है। एंड आई थिंक ऐसा वाला डिज़ाइन मैंने कहीं नहीं देखा, इनफैक्ट इनके जो नीचे में जो कपड़े का जो स्टोर शॉप है उस पर भी इन्होंने सेम इसी तरह से काम किया है, इसीलिए इनका हैशटैग डिज़ायर वाला नाम है क्योंकि ये सारा काम एक जैसा कर रहे हैं। और अब हम अंदर की ओर चलते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ये दोनों जो है कपल्स के लिए है, और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे हुक्का। सो ये जो अंदर में एरिया है ये हुक्का के लिए है स्पेशली, सो जितने भी हुक्का लवर्स हैं उनके लिए यहाँ पे देखेंगे काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। हमने पूरा रेस्टोरेंट एंड कैफे तो दिखा दिया, और जब रेस्टोरेंट कैफे हो तो खाने की बात कैसे नहीं होगी। सो मेरे यहाँ प्लेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल पे बहुत कुछ लग चुका है, एंड ये जो भी है ना गाइस, हैशटैग डिज़ायर वाले का डिज़ायर स्पेशल फूड आइटम्स हैं जो कि स्पेशली मैं ट्राई करने वाली हूँ। इसमें आई थिंक ऑलमोस्ट जितने भी डिशेज हैं मैं पहली बार ट्राई करने वाली हूँ, और इसके नाम भी इतने ज़्यादा डिफिकल्ट है ना कि मैं खुद से तो नहीं, तो यहाँ के जो सेफ हैं वो आएंगे एंड वो ही हमें इस फूड को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। कोरियन किमची राइस। ओके, सो गाइस पूरे मुजफ्फरपुर में कहीं भी कोरियन आइटम नहीं मिलता है, सो ये है कोरियन किमची राइस। कोरियन किमची राइस एंड वेज शंघाई फ्राइड राइस। ओके, सो वेज शंघाई, बिकॉज़ मैं वेज खाती हूं। ये कुंभ मकई मसाला, ये भी आपको यहां पे अवेलेबल बहुत कम जगह मिलेंगे। और ये मैम स्पेशल आपके लिए मैंने बनाया ये, क्योंकि आप भेजें, और ये कुंग पाव पनीर। कुंग पाव पनीर, सो ये कहाँ की डिश होगी, इंडियन है या ये चाइनीज है? ओके, चाइनीज। ये मैंने इंडो चाइनीज बनाया। अच्छा, दोनों आई थिंक नॉन वेज आइटम्स हैं, बट मैंने इसको टच नहीं किया। नाम बता दीजिए हमें। ये राडा चिकन। ओके,
डिजायर स्पेशल राणा चिकन और ये डिजायर स्पेशल चिकन तंदूरी। सो यहाँ पे आपको वेज नॉन वेज दोनों मिल जाएंगे, दोनों अवेलेबल है। एंड इनफैक्ट अभी कोरियन फूड मेन्यू में भी लाइक ऐड होने वाला है, अभी ऐड होगा। सो आई डोंट थिंक कि लाइक पूरे आई थिंक पटना में शायद होंगे, बट मुजफ्फरपुर में तो कहीं भी कोई भी रेस्टोरेंट नहीं जहाँ पे वो लोग कोरियन आइटम सर्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको कोरियन फूड भी खाने को मिलेगा, चाइनीज एंड इंडियन वो सब तो अभी भी मिलते ही है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा तो कोरियन खाना आगे भी हम बढ़ाएंगे। अभी सिर्फ ये टेस्ट के लिए हमने दिया है। सो अभी मैं फूड को टेस्ट करती हूँ। ओके, सो चीज गार्लिक नान है एंड बहुत अच्छे से इसको ना यू नो अब प्रेजेंट किया गया है। सो मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी ये डिज़ायर स्पेशल कोरियन किमची राइस के लिए, बहुत नाम सुना था मैंने गाइस। चलो मैं पहली बार फाइनली इसको ट्राई करने वाली हूँ। बहुत अमेजिंग टेस्ट है एंड मुझे पता है, मैंने काफ़ी सुना है कि इसमें ना ये जो कैबेज होता है वो थोड़े बड़े बड़े साइज़ में होते हैं एंड किमची का ना पिकल भी आता है, तो वो थोड़ा सा हल्का सा उसे टेस्ट आ रहा है। इसमें मशरूम भी डाला हुआ है एंड बेबी कॉर्न भी देखा मेरे को थोड़ा सा। सो इसका टेस्ट मेरे को बहुत पसंद आया। ये चाइनीज शंघाई राइस मैं ऐसे अलग अलग कर रही हूँ सो दैट कि मुझे फ्लेवर्स अच्छे से पता चल पाए। इसमें जो है ना थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर आ रहा है, लाइक आप फ्राइड राइस खाते हो थोड़ा सा वैसा टेस्ट है, बट इसमें टेस्ट हल्का सा डिफरेंट ये है, थोड़ा सा स्मोकी सा फ्लेवर है इसका, जिस वजह से ये मेरे को ज़्यादा पसंद आया। अगर मैं मुझे बोला जाए कि आप अगर फ्राइड राइस खाना चाहोगे या ये, तो मैं ये प्रिफर करूँगी। ट्राई करती हूँ ये डिज़ायर स्पेशल कुंभ मकई मसाला। और ये मशरूम है एंड इसकी ग्रेवी जो है ग्रीन कलर की, आई थिंक इन्होंने पालक यूज़ किया इसमें। इसके टेस्ट में मैं बताऊँ तो यू नो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, अगर जिनको एकदम बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है तो वो ये ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये यू नो मशरूम में भी काफ़ी अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं, बट ये वाला मशरूम का फ्लेवर टेस्ट आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट है एंड सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। अब मैं डिज़ायर स्पेशल एंड सेफ ने स्पेशली मेरे लिए बनाया है कुंभ पाव पनीर। ट्रस्ट मी गाइस, थैंक यू सेफ, आपने मेरे लिए बनाया। मैंने आज तक मतलब बिकॉज वेजिटेरियन हूँ तो जहाँ जाओ तो मुझे पनीर मिलता है, बट ये वाला टेस्ट मैंने आज तक कभी नहीं ट्राई किया टेस्ट किया। इसका टेस्ट सच में बहुत ही अमेजिंग है। अगर ये मेन्यू में नहीं भी हो तो अगर आप आते हो तो स्पेशली सेफ को बोल के ये बनवा के आप लोग खाना, बिकॉज इसका टेस्ट सच में बहुत ही अमेजिंग है। बहुत नॉर्मल कढ़ाई पनीर बटर मसाला वो क्या क्या होता है ना वो सब छोड़ो गाइस, ये वाला कुंभ पाव पनीर जो है वो आप लोग को ट्राई करना ही चाहिए। नान का टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो जितने भी चीज़ें मैंने ट्राई की हैं टेस्ट की है तो मुझे तो बहुत अमेजिंग लगा। सो जब वेज इतना अच्छा है तो गाइस आप लोगों के लिए नॉन वेज कितना अच्छा होगा। सो यहाँ पे जल्दी से आओ एंड जो चीज़ें मैंने टेस्ट की है ना गाइस मैं बस मुंह से बता सकती हूँ, बट उसको रियल में फील करने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। सो चलो ज़्यादा बातें नहीं करते, मैं अपना फूड इंजॉय करती हूँ और हम फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। जैसे मैंने बताया कि गाइस इसकी ओपनिंग हुई ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, बट यहाँ पे क्राउड काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है, लाइक कस्टमर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनसे रिव्यू लेते हैं कि उनको यहाँ का फूड या फिर यहाँ का एम्बियंस कैसा लगा। सो सर आप पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हिमांशु हुआ। ओके सो और मैं यहीं का हूँ। अच्छा यहीं के हैं आप। और मेरी पढ़ाई जो है से अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो रही है। अच्छा और मैंने अभी मास्टर कंप्लीट किया है। अच्छा। अभी पीएचडी करने वाला हूँ। ओके सो पीएचडी आप पॉलिटिकल साइंस। हाँ पॉलिटिकल साइंस से। ओके सो यहाँ पे मतलब कैसा आप लोग को लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है यहाँ। एक्चुअली क्या है ना,
कि हमारे गांव में जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ या कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं तो अपने दोस्त को बोलते हैं कि हमारे गांव में ये है तो वो खुल के नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि एक्चुअली एक माइंडसेट बना होता है गांव में है तो इस टाइप से होगा उस टाइप से होगा। अब उनको लेके यहाँ पे आएंगे तो मुझे प्राउड फील होगा इस चीज़ को लेके, क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में ऐसा एक भी नहीं है अभी तक फिलहाल, है ना। तो कैसा मतलब एम्बियंस की बात करें या फूड की बात करें तो कैसा है? सब कुछ मतलब बहुत बढ़िया है यहाँ पे, चाहे डेकोरेशन की बात हो या हर एक चीज़ वेल मैनर है या सर्विस हो, सब चीज़ वेल मैनर है यहाँ पे। सो आप यहाँ फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या फिर? नहीं नहीं, इसके पहले भी। अच्छा, इसके पहले भी आए हैं। तो ओवरऑल आपको ये जगह अच्छी लग रही है? एक्चुअली जब तक मैं घर पे हूँ तब तक शाम का टाइम मतलब मेरा यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, अच्छा लगता है क्योंकि वो फील मुझे दिल्ली वाली आती है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, यूनिवर्सिटी कैंपस टाइप का। अच्छा ओके, सो थैंक यू बात करने के लिए। चलिए हम कुछ और कस्टमर से भी रिव्यू लेते हैं। सो आप अपना नाम बता दीजिए। मैं नाम नवनीश कुमार हुआ। नवनीश कुमार, ओके। सो आप अभी क्या एंजॉय कर रहे हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी हम चिकन बिरयानी दी है। अच्छा, बहुत अच्छा लगा है। कैसा है? बहुत बेहतर है, और जितना भी मुजफ्फरपुर और मैं सब मैंने ट्राई किए हैं उसे अच्छा लगा डिजाइन का। अच्छा, यहाँ का मतलब बाकी सब जगह से टेस्ट अच्छा लगा। एम्बियंस की बात करें, इंटीरियर की बात करें तो कैसा है? बहुत बेहतर है, और इसे हमको बहुत अच्छा से पहले से ही जान पहचान था। अच्छा, यहाँ पे आए। ओके ठीक है, थैंक यू बात करने के लिए। सो गाइस, चलिए अब आपने जो इतना बड़ा ये डिजायर वाले का जो डिजायर रेस्टोरेंट कैफे देखा है, सो अब उनसे मिलते हैं, बिकॉज मिलना जरूरी भी था क्योंकि इतना अच्छा काम इन्होंने किया है। सो ये है यहाँ के ओनर रवि रंजन डिजायर वाला, जिन्होंने ये इनकी जो अभी तक दो मेंस वेयर की क्लोथिंग शॉप थी, एंड अब इन्होंने ये रेस्टोरेंट कैफे स्टार्ट किया है। यहाँ के सेफ जिन्होंने हमें इतना अमेजिंग फूड टेस्ट करवाया है, सेफ नवीन, और बहुत ही अमेजिंग टेस्ट था आपके खाने का। सो सर, आप हमें थोड़ा बताइए, हमारी पब्लिक को बताइए कि ये इतना बड़ा और इतना अमेजिंग रेस्टोरेंट खोलने के पीछे क्या मतलब आइडिया कहाँ से आया आपको? ये सारा आइडिया मैं अब्रॉड रहता था तो वहाँ पे मैं बड़े बड़े मतलब रेस्टोरेंट में गया था, तो वहाँ से आइडिया लेके आया कि यहाँ पे भी कुछ करते हैं। पर यहाँ करने से पहले बहुत लोग कहते थे कि ये नहीं चल पाएगा क्योंकि यहाँ पे उतना हाइपर नहीं ये सब डिस्ट्रिक्ट है। पर मैं सारा चीज़ उस लेवल का लाया ना जो मतलब इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल का हो। सो और लाइक इस इंटीरियर में जैसे मैंने बिहाइंड द सीन की बात करूँ, मैंने इनसे बात किया था, तो इस पे आपने किसी भी इंटीरियर डिजाइनर को नहीं हायर किया, आपने खुद से सब कुछ प्लान किया सोचा, तो ये कहाँ से आइडिया है इसका? सारा आइडिया इंटरेस्ट का भी है और मैं कुछ देखा हूँ पहले से भी। okay. सारा आइडिया मन में था लेकिन एग्जीक्यूट कोई बंदा नहीं कर पाता। अच्छा। मैंने सारा आइडिया को एक साथ ला के एग्जीक्यूट कराया, कुछ कुछ बंदा किया मतलब। सो सारा कुछ इनका खुद का प्लान था, इन्होंने खुद से इधर उधर बहुत सारा दिमाग लगा के सर्च करके, एंड इस पे किसी और का काम नहीं, इनकी पूरी की पूरी इनकी खुद की मेहनत है। और अब बात करते हैं सेफ की, तो सेफ आपने कहाँ से ये सीखी है, बिकॉज जो फूड का टेस्ट है वो काफ़ी डिफरेंट है। मैं रिसेंटली पोर्ट ब्लेयर हैवलॉक में रहता था। अच्छा। मेरा ये होम टाउन हुआ, और मैं मुजफ्फरपुर गया था तो हमारे फ्रेंड के थ्रू इनसे जान पहचान हुई। अच्छा। और आज हम इनके साथ हैं, और यहाँ का वातावरण मुझे ऐसा लगा कि हम कुछ यहाँ के लोगों के लिए, चूँकि ये विलेजियर एरिया पड़ा लेकिन ये काफ़ी डेवलप है। हाँ। यहाँ पे लोगों को खाना चाहिए, लोग नया खोजते हैं, तो यहाँ पे मैंने उनको एक नया डिश दिया है। अगर इसका रिस्पांस अच्छा रहा है तो इसके आगे कोरियन फूड का हम आगे भी करेंगे। नेक्स्ट में आप सी फूड भी करेंगे आए यहाँ पे। हमारे सब्सक्राइबर, हमारे पब्लिक को कि उनको यहाँ पे आना चाहिए। आप लोग आइए अपने फ्रेंड के साथ और फैमिली के साथ या लव वन के साथ, और यहाँ पे आके एंजॉय करिए प्योर हाइजेनिक फूड के साथ, गुड वाइब के साथ आइए यहाँ पे और एंजॉय करिए फूड। सो थैंक यू सो मच बात करने के लिए। एंड जैसा इन्होंने बताया कि गाइज यहाँ का इंटीरियर इन्होंने खुद से डिज़ाइन किया है, फूड यहाँ के जो सेफ हैं उन्होंने इतनी अच्छी अमेजिंग फूड्स देते हैं, तो यू ओवरऑल मैं अपना खुद का ऑनेस्ट रिव्यू, अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो ये जगह सच में बहुत परफेक्ट है। एंड जो हमारी मेंटालिटी यहाँ के लोगों की मेंटालिटी बनी हुई है ना कि वो देसी ही खाना खाएंगे, वैसा कुछ नहीं है। आप कुछ यूनिक खाना चाहते हैं, कुछ अमेजिंग खाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए। सारा डिटेल्स आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ के कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल जाएंगे, सो जरूर चेकआउट कीजिएगा, एंड यहाँ पे एक बार तो ज़रूर आइए, एंड हैशटैग डिज़ायर वाला को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, और इनके यहाँ से लड़के जितने हैं यहाँ से कपड़े भी ले सकते हैं, एंड उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड को लेके मेरे बाबू ने थाना थाया थाना भी खिला सकते हैं। सो यस, बहुत सारी बातें हो गई, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।